चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर चेक कर गबरू दी बोली चेक कर किथे करे देने जेड़े रीस चेक कर ए नानू मार की है जेलसी चेक कर ता प्यार चारों पासे किन्ने मुंडा बड़ा तेरे बत्तरां दी बिल्लो सर बत्तरां दी बिल्लो सर तारी चेक कर मैं कह मित्तरां दी बिल्लो क्या बात है बड़ा खुश लग रही है आज तू है मैं तो ये सोच के खुश हो रही हूँ कि मम्मी ने घर पे छोले भटूरे बना रखे होंगे तो घर जाके ना छोले भटूरे खाऊंगी छोले भटूरे पूरा दिन छोले भटूरे खाते रहिए तू मेरा मुंह मेरा पेट मेरा मन छोले भटूरे भी मेरे दूर से होके बात कर बदबू आ रही तेरे मुँह से आती होगी बदबू नहीं हालत देख खा खा के फट जाएगी तू अबे फटेगी मैं नहीं फटेगा भटूरा फटेगा भटूरा अरे यार कोमल तू देखना कितनी मोटी हो गई यार अबे और रुक अब ओए तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई गाड़ी का हाथ लगाने की अबे तेरी हिम्मत कैसे हो गई इतनी तेज गाड़ी चलाने की ये मेरी छोटी बहन है अगर इसको हल्की सी भी लग जाती तो क्या करता तू तो क्या होता धरती पे से बोझ कम हो जाता और क्या होता बढ़िया होता नहीं तो देखो धरती का बोझ क्या रहा कोमल ये शर्म नहीं आती मेरे को धरती का बोझ बोले बोल इसको कुछ हाँ अबे वो धरती का बोझ कैसे होगी ये है तेरी गलती है सारी की सारी अबे एक तो तू लड़की है ना चुप रहा है और तू इसकी क्या साइड ले रहा है मुझसे बात कर ओए हेलो मेरी बात ना ध्यान से सुन ले हमारा ये फंडामेंटल राइट है कि हम सड़क पे चल सकते तू हमें नहीं बताएगा हमें कहाँ चलना का नहीं ब्रो फंडामेंटल राइट एक झटका लग गया ना तेरा फंडा और अंडा सब अलग हो जाएगा अबे ओ तेरी इतनी हिम्मत होगी तू मेरी छोटी बहन को हाथ लगाएगा मारेगा तेरे घुसन मार दूंगा मैं समझ गया तू चोरा कैसे हो रहा गाड़ी के ऊपर है सड़क पे गाड़ी चलाकर चोरा होगा तू देख भाई गाड़ी है गाड़ी रोड पे ही चलेगी तुम चलो ना फुटपाथ के ऊपर अरे करी मत सोच लियो हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है इससे बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा महंगी है ठीक है तू तो सोच भी नहीं सकता तू तो छोटे लेके गाड़ी चल रहा है यहाँ पे सड़क पे हमारे पास गाड़ी कहाँ से आ गई हम तो साइकिल भी नहीं है अरे कभी कभार अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है हाँ बहुत बड़ी गाड़ी है हमारे पास हाँ है गाड़ी हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी है हाँ भाई दिख रहा ना इतनी धूप में कैसे गर्मी में चल रहे हो अबे तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी शक्ल से लगा तुम्हारा साइकिल भी नहीं है गाड़ी की चोट में देखिए गाड़ी फोड़ दूंगा तेरी गाड़ी फोड़ेगा हाथ लगाइयो इस गाड़ी का हाथ लगाओ क्या बड़ी बात है ले लगा दे अरे तेरी बहन तेरे साथ नहीं होती ना यही बता देता तेरे को ठीक है ना पटना चौड़ा कैसे आ रहा है मेरे से गाड़ी लेके तू अकड़ में क्यों आ रहा है सॉरी मांग के चले जा यहाँ से ओए तुम दोनों को देख के तुम्हारी औकात पता चल रही है ठीक है ना एक काम करो मेरे साइड सेट और मुझे जाने दो मेरी मीटिंग है तो मीटिंग में आना निकलना यहाँ से चल चल तुम दोनों निकलो चल गरीब तू गरीब तू है तू चले यहाँ से पिटेगा चल ये अमीर लोग कहीं के गाड़ी का रोब जमाते हैं अब मुझसे कभी बात करना जब मेरे लिए एक बढ़िया सी बहुत बड़ी सुपर कार ले आओ तब तक मुझसे बात मत करना अरे कोमल सुन तो कोमल सुनना यार ये तो नाराज हो गई मैं कैसे मनाऊं इसको ये तो मानती भी नहीं है जितना मर्जी मना लो कुछ तो करना पड़ेगा यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं तो गाड़ी अरे मैं गाड़ी कहां से लेके आ जाऊं यार इतनी सेविंग्स भी नहीं है मेरे पास थोड़ी बहुत तो है पर इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं गाड़ी लेके आ जाऊं गाड़ी की डिमांड क्या करूं सोच डिकरो सोच क्या करूं गाड़ी कहां से लेके आऊंगा यार मैं इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं ओए डिकरो अरे शुभी तू अबे तू क्या कर रही है यहाँ पे अबे कहाँ जा रहा है अरे मैं तो वहां से आ रहा था मतलब नौकरी ढूंढ के आ रहा था कहीं मिली नहीं घर जा रहा हूँ अच्छा नौकरी वो तो ठीक है पर तेरा इतना चेहरा लटका क्यों हुआ है अरे यार तेरे को मैं क्या बताऊं यार अरे वो सिट्टू नहीं है अपना पिछले गले में आता है अमीर का वो समझ गया होगा हाँ उसने दिमाग खराब कर दिया यार मैं और कोमल आराम से आ रहे थे इतनी स्पीड में गाड़ी लेके आया बीच में से तो मैंने कोमल को ऐसा करके धक्का दे दिया बच गई वरना गाड़ी इसके ऊपर चली जाती
और इतना नहीं, नहीं अपनी गाड़ी की चोर दिखा रहा। अबे वो तुम गरीब हो, ये हो, तुम पर साइकिल भी नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, बताओ ये को कहने की बात होती है यार, ये अच्छी बात है। अरे पर वो ऐसे क्यों बोला यार, ऐसे नहीं बोलना चाहिए उसको, गलत बात। और इतना नहीं भाई, उसने इतना कुछ कह दिया, तुम गरीब हो, तुम ऐसे वैसे हो, और उस पर वो नाराज भी हो गई, मतलब मेरे ऊपर नाराज हो गई, और मेरे को कह दिया अब मुझे जब बात करना जब तू कोई स्पोर्ट्स गाड़ी लेके आओगे। यार स्पोर्ट्स गाड़ी मतलब स्पोर्ट्स कार में कहाँ से लेके आ जाऊंगा, मैं तो इतने का आदमी नहीं है अभी, पैसे भी नहीं है भाई, जेब में कंगाला पड़ा हूं तो कंगाला हूं। यार सोचना पड़ेगा, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कहाँ से आएगी स्पोर्ट्स कार, कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। अरे डिग्रो भाई, जुगाड़ से कुछ याद आ रहा है? गार्ड के नाम से मुझको एक पता याद आ रहा है, चिद्दी जुगाड़ू मल। अबे हाँ यार, उसके बारे में तो भूल ही गया था मैं। क्या 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 कुछ नया करा क्या उसने? उसने सेकंड हैंड कार का गैराज खोला है, गैराज जिसमें वो सारी गाड़ी रखता है। मैं तेरा सारी जुगाड़ हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा गाड़ी का गैराज खोला उसने? अरे वाह भाई बढ़िया यार, तूने तो मस्त आइडिया दे दिया। एक काम करता हूँ, अभी जाता हूँ बहन के पास, उसको मनाता हूँ और लेने चलता हूँ गाड़ी लेने के लिए। पक्का जा, और ना बढ़िया बढ़िया गाड़ी देखी, और जोन सी भयंकर वाली गाड़ी हो ना वो अपनी बहन को करियो रक्षाबंधन पे, कितनी राजी हो जाएगी यार वो। हाँ चल ठीक है, ओके। अरे क्या हो गया कोमल, अब क्यों नाराज है? नाराज होने की बात नहीं है, वो आदमी कल का आया आदमी मेरे को इतनी सारी बातें सुना के चला गया कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, सारे लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मेरे कॉलेज में भी इतनी तू गरीब, मैं कभी साइकिल मांगती, कभी कपड़े, कभी स्कूटी, कभी बाइक, कभी कार, बुरा लग रहा है मुझे। अरे यार ये टेंशन लेने की बात है, इतना मत सोच, गाड़ी का जुगाड़ में कर लूंगा, थाने कोई गाड़ी तो लेके आऊंगा मैं, अभी भाई नौकरी लगने वाली है, नौकरी लगती तेरी गाड़ी ले आऊंगा मैं बढ़िया सी। बस कर तू, तूने क्या किया आज तक मेरे लिए? पिछले रक्षाबंधन पे भी 101 रुपए का जगह दे दिया था और खाता लेते हुए गिफ्ट हो गया, तूने क्या किया मेरे लिए आज तक बता? कल रात को 3 बजे मैंने मैगी बनाई थी, वो क्या तेरे लिए किया नहीं मैंने ये सब? कंट्रोल, सॉरी सॉरी बोल रहा हूँ ना, आदमी चकर। अच्छा ठीक है, तू ये बता तेरे को कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे चाहिए बड़ी ऐसी स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार? हाँ मैं ना राइडर बनना चाहती हूँ, एक बार मुझे स्पोर्ट्स कार मिल गई ना फिर मैं करूंगी लड़कियों की ड्रैग रेस चैलेंज। और कैसी होती है स्पोर्ट्स कार? अरे स्पोर्ट्स कार का नहीं पता, स्पोर्ट्स कार घूम 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 करती है, बहुत तेज चलती है, और उसके ना बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स होते हैं जैसे कि नियॉन रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, बहुत अच्छी दिखती है और बहुत तेज भागती है, और उसके ना पेट्रोल भी बहुत सारा खर्च हो जाता है एक ही बारी में। अरे कहना क्या चाहते हो? और कितने बंदे बैठते हैं उसमें? और उसमें सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, मतलब मैं और मेरा क्या 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 भाई भाई भाई, बस इसीलिए चाहिए स्पोर्ट्स कार और कुछ नहीं। हाँ पास में एक शोरूम है गाड़ी का, वहाँ चलते हैं, बता देख के आते हैं, जो गाड़ी तेरे को पसंद होंगी ना वो दिला दूंगा। चाहती तो मैं हूँ, चल सकते हैं। अरे मेरी बहन, तेरी खुशी मेरी खुशी, खुश है अब चले। चलो गैराज तो यही वाला बताया था, पर वो है कहाँ? कौन? सिद्धि। कौन सिद्धि? अरे जुगाड़ू माल यार, सिद्धि। ओ सिद्धि, अबे कौन भौंक रहा है बे सुबह सुबह? उरा 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 उरा। जय हो बिहार के लाला। कौन है बे? ये तो देखा देखा लग रही है। अबे इधर आना। आइए आइए। अरे डिग्रो तू? अरे क्या हाल है चिद्दी? बढ़िया। तो कहाँ गया था, क्या नया धंधा खोला तूने? अरे गाड़ी का जनता गैरेज के नाम से, जनताओं की सेवा करने के लिए। मतलब फ्री में होता है सारे काम? फ्री वरी कुछ नहीं होता, सेवा लगती है। फ्री में नहीं होता, पैसे देने पड़ते हैं, फ्री में कोई चीज आती है? ठीक है तू चुप कर, मोटी बुद्धि रहेगी, पागल बोलती रहेगी। हाँ तू ये बताओ ना, अरे वो क्या है ना, मेरी बहन को गाड़ी चाहिए, कॉलेज में हो गई है, इतनी सी पर कॉलेज में हो गई है, तो कोई गाड़ी तुम पे बढ़िया है तो बताओ। अपने पास एरोप्लेन से लेके मोटर गाड़ी तक है, क्या चाहिए तुझे? कैसी गाड़ी चाहिए बहन? बहुत सुंदर गाड़ी, बहुत बढ़िया गाड़ी, बहुत तेज चलती है जो। अरे एक नंबर की,
ब्रांड न्यू कार है, अभी अभी दो तीन सेल करी है, एक लास्ट बची हुई है। नानू नानो नानो कौन सी गाड़ी होती है? अबे नैनो, टाटा की नैनो। हाँ वही नैनो। आ दिखाना, चल दिखा। गाड़ी का मॉडल क्या है इसका? ये 2004 मॉडल है। 2004 मॉडल है, और है कितने का? 2,04,000। 2,04,000 का? ये चलेगी वैन? ये गाड़ी 2,04,000 रुपए की, और ये गाड़ी वो नहीं है जो मुझे चाहिए। बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए? मुझे गाड़ी चाहिए लंबी, चौड़ी, बड़ी, स्पोर्ट्स कार। कोई और दिखाओ यार। ये देखा, सेंट्रा। ये वैसी कार नहीं जैसी मुझे चाहिए, मुझे नहीं पसंद ये। अरे इतनी बढ़िया गाड़ी है, व्हाइट कलर की, इतनी प्यारी गाड़ी लग रही है। मुझे नहीं पसंद। चलो एक और है। बिल्कुल लोहे के टायर लगवाए, ट्रेन से कम नहीं है। जी, 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 जी। एक लास्ट गाड़ी बची है, वो भी वीआईपी है। ये देखो, बिल्कुल नया माल आया है चुरा के बिहार से। मेरा मतलब बिहार से आया है। भाई नहीं यार, ये गाड़ी पसंद नहीं आई है मेरे। एक तो मेरा दोस्त है, इसलिए इतनी सारी गाड़ी दिखा दी। कोई और ना लात मार के भगाते हैं, इसलिए शांति से चला रहा। मेरा मत्था गर्म हो रहा है दिन के टाइम। हाल तो मत बोलो ना, जा रहा हूँ तमीज से, बोल ले उधारे के पैसे भी दूंगा। हाँ जा रहा हूँ ना, चल चल चला चला चल, तो यही पटक के ले लेंगे क्या? चल। अरे बहन तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, कहाँ से लाऊं तेरी गाड़ी में? इतना बड़ा गिराज दिखा दिया मैंने, 50 गाड़ी दिखा दी, कहाँ से लेके आऊं गाड़ी? और मैं, मुझे नहीं पता, मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो मतलब स्पोर्ट्स कार चाहिए। अगर तू नहीं दिला सकती तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, मैं जा रही हूं। अरे बहन सुनना यार, अरे ओ स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार कहाँ से लेके आऊं स्पोर्ट्स कार? क्या करूं जुगाड़ यार, मैं समझ नहीं आ रहा, कोई भी गाड़ी इसको पसंद नहीं आ रही, क्या करूं मैं? मेगा कंपटीशन, वो भी अपने मोहल्ले में। फर्स्ट प्राइस है घर, अरे बाप रे बाप। सेकंड प्राइस है स्पोर्ट्स बाइक, और थर्ड है स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार, अरे वाह यार, मौका मिल गया ना कार जीतने का। हमने कार दैया तो मकान मिल रहा है फर्स्ट अव्वल नंबर पे, और सेकंड पे का ही छोड़ो, सेकंड वाला फर्स्ट पे मकान है। इसका मतलब कि गैरेज का दुकान किराए पर देकर खुद के घर में रहेंगे। सुपर बाइक सेकंड प्राइस वो भी। क्या क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम्हारे लिए नहीं कंपटीशन, ये ऐसे मेरे लिए है, समझे? अच्छा वहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए ही है? अरे तुम क्या कर रहे हो कंपटीशन करके यार, मेरे को भरने दो ना। अरे चुप रह, कह रहे ना हम ही जीतेंगे। यार ये तो गलत बात है, खाली मेरे को उतर के बताऊं। थर्ड प्राइस स्पोर्ट्स कार, मतलब वो टाइम आ गया है हवाबाजी करने का, नई गाड़ी में घूमने का। अबे ओ तू क्या करेगा स्पोर्ट्स कार का, तेरे पास है तो कार ही है, इसको लेके निकल आगे। अबे ओए तरक्की ना करूँ क्या, हमेशा इसी में घूमता रहूँ क्या? अरे भाई तू क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, तो अपने जाना, तेरे पे गाड़ी है ना, उसमें ऐश कर। अब ओए जाऊंगा तो सही, स्पोर्ट्स कार भी तो लेके जानी है ना अपनी। हाँ ठीक तो देख लेंगे। अरे तुम तो मत जाओ कम से कम यार, तुम अरे यार ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? और ये भी पार्टिसिपेट करेंगे इस कंपटीशन में? मैंने सोचा था अकेले पार्टिसिपेट करूंगा, कोई भी नहीं होगा, दो चार चिल्लू पिल्लू होंगे उनको हरा दूंगा, मेरे तो सारे के सारे मुसंडे आ गए, तो मैं कैसे हराऊंगा यार? कुछ भी हो बैक मत ले, ये कंपटीशन तो मैं जीत के रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी बहन को करनी है स्पोर्ट्स कार गिफ्ट। कुछ नहीं, वो वाला दिखा, दूसरा दिखा, अबे दोनों हाथ दिखाना। खाना शाम के 7 बजे नहीं, तुझे पहले ठूसना है। अरे मोटी खा खा के तू मोटी हो जाएगी। क्या चाहिए? कुछ चाहिए तो कुछ नहीं, बस एक बात बतानी है मेरे को। क्या? पहले सुन तो ले। सुना। देख तो ले।
दिखा। अबे तेरी स्पोर्ट्स कार की बात है, सुन ले। अब आइन लाइन पे देख, तेरी स्पोर्ट्स कार का जुगाड़ मिल गया मेरे को। हमारे मोहल्ले में होने जा रहा है कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? अरे रेस से कंपटीशन हो रहा है, भाग रहा है खाली बस। तो उसमें करना क्या पड़ेगा? सुन तो ले पहले। उसमें पहला प्राइज है 4 करोड़ का घर। घर तो हमारे पास पहले से ही है, सही नहीं हमको। दूसरा प्राइज है 2 करोड़ की सोने की बाइक। बाइक हमें चलानी आती नहीं, फायदा नहीं है। और तीसरा प्राइज है स्पोर्ट्स कार। अच्छा ठीक। क्या बोला तुम? दोबारा बोल। स्पोर्ट्स कार। क्या बोला तुम? दोबारा बोल। स्पोर्ट्स कार। दोबारा एक बार। तेरी स्पोर्ट्स कार। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, सपना नहीं देख रही हूँ सच्ची। पर कैसे, कब और कहाँ? चिंता मत कर बहन, उस कंपटीशन में अब मैं लोग करूँगा पार्टिसिपेट, और वो कंपटीशन जीत के मैं तेरे लेके आऊंगा स्पोर्ट्स कार। और वो कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। और तो टेंशन मत ले, इस रक्षाबंधन पे तेरा गिफ्ट होगा वो स्पोर्ट्स कार। ओ भाई, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ मेरे प्यारा। दो दिन से नहाई भी नहीं होगी। आ ले चल। पक्का लेके आएगा ना? कंपटीशन जीत जाइयो। हाँ, मैं तेरे लिए बनाना शेक बनाऊंगी। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आपने मेरी विश पूरी कर दी। मेरे को कल स्पोर्ट्स बाइक मिल जाएगी और फिर मैं राइडर बन जाऊंगी। इतनी खुशी में खाने चला रहा हूं। तो आ गए तुम तीनों? आ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रेस में। तो दोस्तों, आज हमारे मोहल्ले में होने जा रहे एक घमासान रेस का मुकाबला, आइए और देखिए। तो जैसे कि आपको पता है कि इस रेस में जो पहले नंबर का इनाम है वो है 4 करोड़ का घर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। और जैसे कि आपको पता है, दूसरे नंबर पर जो है वो है गोल्ड की बाइक। क्या? किसकी बाइक? सोने की बाइक। हाँ, तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि तीसरे नंबर पर जो है वो है एक स्पोर्ट्स गाड़ी। हाँ, मेरी स्पोर्ट्स, मतलब तेरी नहीं, मेरी है वो। अरे, और हाँ दोस्तों, एक जरूरी बात, इस रेस में 3 तास रखे गए हैं। पड़ाव का होता है? अबे आगे आगे चल के पता लगेगा ना क्या होता है। अच्छा हाँ, तो तुम्हारा पहला जो टास्क है वो ये है कि आगे जाके मैंने रखे हुए 3 रुमाल, तुम चारों में से जो 3 वो रुमाल उठा के आगे चले जाएंगे, वो चले जाएंगे नेक्स्ट पड़ाव के लिए। ये तो इजी है। क्या इजी है? भागना पड़ेगा, तेरे तोंद इतनी मोटी, भाग लेगा। और जो चौथा इंसान होगा उसको मेरी पहेली का जवाब देना पड़ेगा, और वो जाके अगले पड़ाव के लिए जाएगा। ये क्या है, कोई भी कर लेगा? हाँ, तो आ जाइए, तू कर ले, पहले जाओ, तू दे दियो, ठीक है ना? चलो चलो चलो, स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, दुबरो ना मेरे से। रेडी, 1 2 3 गो। मिल गया रुमाल। आखिरी बचा क्या? अबे कोच, रुमाल कहाँ गए? अब तेरे को मेरे पहले का जवाब देना पड़ेगा, तभी तू आगे जाएगा। तो बताना जल्दी। अच्छा तू ये बता, 5 किलो आलू और 5 किलो रुई में से क्या भारी होता है? 5 किलो रुई, 5 किलो आलू। अबे इतना दिमाग खराब है, दोनों बराबर ही तो होंगे, 5 किलो ही तो है। सही जवाब, जल्दी भाग, जल्दी भाग। इतनी देर में मैं अगले टॉस की तैयारी करता हूँ। अरे अगला टास्क क्या है, बता जल्दी।
अगला टास्क तेरा ये है, तेरे को इन ईंटों पे से चलते हुए आना है। इसको पार करने के बाद तू फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। चल स्टार्ट कर, 1 2 3 स्टार्ट। साला गैरेज की दुकान चला चला के जिंदगी गैरेज हो गया हमारा, लेकिन कौनो बात नहीं, फर्स्ट प्राइज जीत के घर अपने हवाले करेंगे। ऐसे कैसे, फर्स्ट प्राइज तो मैं ही जीतूंगा, फर्स्ट नहीं तो सेकंड मैं जीतूंगा, और सेकंड इन पर थर्ड तो बहन की टेंट मैं ही जीतूंगा। ये रेस तो मैं ही जीतूंगा, किसी भी हालत में मेरे को रेस जीतनी पड़ेगी। मुझे अपनी बहन को गाड़ी गिफ्ट करनी है और वो गाड़ी तो मैं लेके रहूंगा। कैसे तो मैं लास्ट में ही रह जाऊंगा ना, मेरे को थर्ड आना कैसे भी, वो सुपर कार लेके जीतना है। अरे अरे देखो इतनी जल्दी थक गए, अभी तो तुम्हारा लास्ट पड़ाव बाकी है। हाँ हाँ जल्दी बोलो ना, क्या है आखिरी पड़ाव? वो देखो वहां मैंने लाल रिबन बांधा हुआ है, जो उस रिबन को सबसे पहले क्रॉस करेगा वही इस रेस का विजेता होगा। तो रेडी हो तुम सब? यस रेडी। चलो 1 2 3 गो। आ, रुक जा। अरे डीकरों का बच्चा आगे कैसे निकल गया? ऐसे तो गाड़ी ले जाऊंगा, अभी बताता हूँ। अरे सिट्टू ने डीकरों को नीचे गिरा दिया। आएगा। शिट 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 शिट, मैं फोर्थ आ गया, मैं जीतूंगा कैसे? देखता हूँ बेटे तू कैसे गाड़ी जीतता है। मेरी बहन के लिए गाड़ी कैसे लेके आऊंगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। ओए डीकरो आते हो 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 आते और ये जीतने वाला है ये डीकरो। तुम हाँ, तो जैसे कि ये रेस खत्म हो चुकी है और आप सभी को पता है कि इस रेस का विजेता कौन बनता है, डीकरो। हाँ तो जैसे कि डीकरो फर्स्ट आया तो इसको मिलता है पहला इनाम 4 करोड़ का घर, और सेकंड प्राइज जीतता है सुब्बी, और जैसा कि सुब्बी सेकंड प्राइज जीतता है तो उसको मिलती है गोल्ड की बाइक। आखिरी प्राइज जो जीतता है वो है चिद्दी, जो जीता है सुपर कार। पूरा मैं जीत गया, लेकिन यार इस गाड़ी का क्या करूंगा मैं यार, मेरे को घर चाहिए था बंगलो 4 करोड़ वाला। चलो दोस्तों अब हो लेते अपने अपने घर, कल मिलते सबके प्राइस के साथ, बाय बाय। ओ सिट्टू तू इधर आ, बड़ा तूने ठीक नहीं करा, तेरी वजह से मैं गाड़ी हार गया समझा। अबे तुम दोनों भाई बहन है ना, पैदल ही घूमो, और मैंने कही थी अगर गाड़ी मेरी नहीं ना तो तेरी भी नहीं होने दूंगा। अरे तेरे को तो मैं देख लूंगा। बे चल, वो तो टाइम बताएगा, ठीक है जा उस घर में जाके सो। शिट यार अब मैं क्या करूंगा, कितनी उम्मीद थी मुझे इस रेस से कि मैं रेस जीतूंगा और कार लेके आऊंगा, अब क्या बोलूंगा मैं अपनी बहन को कि मैं रेस हार गया। तो पागल पागल तो नहीं है, टाइम निकला जा रहा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, राखी नहीं बनवानी, लेट हो गया गधा कहीं का। अरे बहन मेरी बात तो सुन, मैं ना लेट हो रही हूँ वैसे भी, जब तैयार होके आ जाए मैं भी तैयार होके आ रही हूँ, चल। मुझे मेरी सुपर कार गिफ्ट कर।
बहन वो मुझे इसी के बारे में बात करनी थी। क्या बात? वो क्या है ना, मैंने कंपटीशन में पार्ट तो लिया और मैं फर्स्ट भी आ गया, पर मैं थर्ड नहीं आ पाया। वो क्या है कि कार थर्ड नंबर पे थी, फर्स्ट पे नहीं। सॉरी बहन, मैं तेरी कार नहीं ले पाया। मतलब मुझे मेरी सुपर कार नहीं मिलेगी? मुझे ना तुझसे यही उम्मीद थी, तू कभी मेरे लिए कुछ नहीं करता, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। बहन, अरे बहन मेरी बात तो सुन। हर बारी की बात है, मुझसे ना बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। The next day. हेलो। हाँ क्यों, मैं बाहर क्यों आऊँ? अरे तो आ तो सही यार। नहीं आना मुझे बाहर। अरे यार प्लीज एक बार आ तो सही। ठीक है आ रही हूँ। बे यार इसने तो ना बिल्कुल ही दुखी कर दिया है। अबे ओए कुत्ते, तब से बाहर खड़ी हूँ, इतनी देर से वेट करा रहा है, कब आएगा? अरे बहन अपने लेफ्ट में देख कुछ अच्छा है। अगर कुछ अच्छा नहीं निकला ना फिर बताऊंगी मैं तुझे, समझा? कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मित्रां दी बिलो सरदारी चेक कर मैं मित्रां दी बिलो। देख चिद्दी, तेरे को चाहिए घर? हाँ हमका घर चाहिए। और मेरे को चाहिए गाड़ी। हाँ मतलब स्पोर्ट्स कार। हाँ हाँ हाँ। तो क्यों ना हम आपस में एक्सचेंज कर ले? नहीं नहीं, हम कोनो एक्सचेंज वेक्सचेंज नहीं करेंगे। अरे सोच, तेरे को मिलेगा 4 करोड़ का घर, और वो कार स्पोर्ट्स कार बहुत सिर्फ 1.5 करोड़ की है, उसमें क्या करेगा तू? सही कह रहे हो, गाड़ी का क्या करूंगा, गैरेज का तो मालिक हूँ ही। ठीक है, एक्सेप्टेड। पक्का? पक्का। मंजूर? मंजूर है। दिक्कत नहीं ना? चल बढ़िया है। यस। हाँ मेरी बहन ये वही है। यस सॉरी, रात के लिए मैंने तेरे को मना कर दिया था, पर किसी तरह मैं गाड़ी ले आया। तो फिर वेट किसका करा? चलना जल्दी से घुमा मुझे। अरे तो मना किसने करा है? आना जल्दी बैठ। खब्बे हाथ रोली चेक कर चेक कर गबरू दी बोली चेक कर किथे करे देने जेड़े रीस चेक कर एनानू मार की है जेलसी चेक कर लब जार चारों पासे किन्ने मुंडा बड़ा लो। मित्रां दी बिलो सरदारी चेक कर मैं कह मित्रां दी बिलो सरदारी चेक कर मैं कह मित्रां दी बिलो। क्या है वफा, क्या है एतबार, तुझसे ही सीखा मैंने, तुझसे ही सीखा। बहना मेरी बहना, तुझसा ना कोई अपना, संग मेरे ज्यादा हंसना, कभी थोड़ा रूठ ले।